बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आई एम सर गुलाम अहमद फ्रॉम एएमएसआई स्कूल। स्टूडेंट्स आज हम टेंस में या एक्टिव और पैसिव जो है उसकी कन्वर्जन जो है उसका रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने टेंसेस की वेरिएशन को देखा था कि एक टेंस से दूसरे पे वर्ब कैसे वेरिएट करके जाता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस में वर्ब कैसे यूज होता है। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि एक्टिव से पैसिव जो है उसके लिए जनरल रूल्स क्या है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना आपने, आपके पास जो भी एक्टिव जुमला है एक्टिव जुमले के ऑब्जेक्ट को आपने पैसिव जुमले का सब्जेक्ट बनाना। पैसिव जुमले का जो सब्जेक्ट बनाया जाए उसके अकॉर्डिंगली जिस भी जमाने को आप डील कर रहे हैं उसके मुताबिक आप एक्टिव वर्ब बनाते हैं। स्टूडेंट्स वर्ब की तीसरी हाल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलवेज पैसिव वर्ब में हमेशा जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। स्टूडेंट्स एक्टिव जुमले का जो सब्जेक्ट था उसको पैसिव जुमले का ऑब्जेक्ट बना देते हैं और उससे पहले नाम जो है अमूमन वाय का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। आते हैं नोट में इसके स्ट्रक्चर की तरफ। यहां पर एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस दिए गए हैं, यहां पर पैसिव और साथ ही जमाने की टाइप भी दी गई। ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट का कंटीन्यूअस और ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। स्टूडेंट्स जैसे कि आप जानते हैं प्रेजेंट में एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है उसके साथ फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जो है वो कैरी करता है, फिर ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। इसका यूज जो है दो सेंटेंसेस में इसके एक्सप्लेनेशन के लिए यहां पर रखे हैं। जैसे आई सब्जेक्ट आ गया, वर्ब में ईज फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट द इंजन, आई इज द इंजन, ही इज द तो नाउन में से भी एक को नाउन को होता है ही, और आप जानते हैं कि जब ही शी इट या थर्ड पर्सन हो तो उसके साथ हम वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे या ईएस कैरी करते हैं। सो ही इज द इमेज। स्टूडेंट जब हम पहले वाले को चेक करते हैं तो जनरल रूल के मुताबिक हम कहते हैं कि जुमले में जो है हमारे पास द इमेज जो है ये ऑब्जेक्ट था, तो रूल के मुताबिक हम कहते हैं जुमले के ऑब्जेक्ट को पैसिव कर देते हैं सब्जेक्ट बना दें। तो इमेज द इमेज इज ड्रॉन बाय मी। अब देखिए द इमेज हमने एक्टिव जुमले के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया। पैसिव का जो सब्जेक्ट बना वो उसके अकॉर्डिंगली हम एक्टिव को दे, तो पहले वाले में प्रेजेंट के इंडेफिनिट में इज एम आर को पहले का एक्टिव वर्ब यूज होते हैं। जब हमारे पास यहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमेशा इज कैरी करेगा। अगर यहां पर जो है वो नाउन आई यूज होगा तो एम इस्तेमाल होगा, और अगर हमारे पास यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल शेप में है तो फिर आर एक्टिव वर्ब आएगा। स्टूडेंट रूल के मुताबिक वर्ब की थर्ड फॉर्म ही थी, थर्ड फॉर्म थर्ड बाय यूज किया और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज किया तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे मी आ गया। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस के लिए ही इट इज द इमेज, द इमेज को हमने सब्जेक्ट बना दिया, इसी के अकॉर्डिंगली इज एक्टिव वर्ब आया थर्ड फॉर्म बाय हिम। स्टूडेंट आप चलते हैं प्रेजेंट में कंटीन्यूअस। प्रेजेंट में कंटीन्यूअस जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया कि स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद इज एम आर एक्टिव वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आया है और लास्ट में ऑब्जेक्ट कैरी करता है, उसी का यूज जो है उसके मैंने दो सेंटेंसेस ऊपर वाले को याद कर देंगे। यहां पे था आई इज द इमेज, लेकिन अब जो है आई एम इज द इमेज, फर्स्ट फॉर्म के बाद आया है कैरी कर रहा है। इसी तरह ही के साथ आप देखेंगे ही इज इज द इमेज। रूल के मुताबिक इसका पैसिव वर्ब बना करके हमने द इमेज जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का उसको पैसिव का सब्जेक्ट बनाया। द इमेज रिलेटेड एक्टिव वर्ब में जो है इज बीन इस्तेमाल किया और थर्ड फॉर्म इज जो है वो थर्ड फॉर्म में चेंज हुआ बाय मी। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस के लिए इज इज द इमेज एक्टिव वर्ब में द इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट का पैसिव का सब्जेक्ट बनाया। द इमेज हैप्पी वर्ब में जो है इज रिलेटेड सब्जेक्ट के साथ बी यूज किया थर्ड फॉर्म वर्ब में इसी का डॉट आ गया और इसी तरह से ऑब्जेक्ट बाय हिम ही जो है वो आपके ऑब्जेक्ट के केस में हिम में जा के चेंज हो गया। स्टूडेंट अब लास्ट फॉर्म है प्रेजेंट का वर्ब, इसके स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट है और थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट कैरी करता है।
सेंटेंस में, तो उसी का यूज जो है वही दो सेंटेंस का बना आप देखिए, आई हैव टॉट द इंग्लिश, ही हैज टॉट द इंग्लिश। पहले टेंस में कुछ जो हुआ है द इंग्लिश जो था ये ऐसे था ऑब्जेक्ट था, हमने इसको पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया था इंग्लिश। रिलेटेड के लिए हेल्पिंग फॉर्म में है बी वर्क डन फॉर बाय मी, आई इनटू मी। इसी तरह स्टूडेंट सेकंड सेंटेंस के लिए द इंग्लिश को हमने सब्जेक्ट बनाया, एक्टिव का जुमले का ये मैं ऑब्जेक्ट था इसको पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया। रिलेटेड हेल्पिंग फॉर्म में है बी में है थर्ड फॉर्म और आर बाय हिम, ही केम इनटू हिम। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आज के लेक्चर में आपने जो है वो एक वेरिएशन है एक्टिव से पैसिव में उसको गौर से अवगत किया होगा। लेक्चर को आपने भाई बच्चों के साथ देखना और सुनना है, आपने YouTube पे जाके एएमएस सहायता स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक भी करना है और जो